आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर है, ये है नामी गिरामी। बात 60 के दशक की है। मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था और उसका अपना रुआब था, लेकिन यही वो वक्त था जब बम्बई मौत की सिलसिलेवार घटनाओं से कांप गई थी। उत्तरी सब अर्बन इलाकों के लिए ये वक्त दहशत से भरा हुआ था। हर सुबह गली में किसी की लाश मिलती थी जिसे इतनी बेरहमी से कत्ल किया जाता था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अखबार रोजाना कत्ल की खबरों से लाल मिलते थे। खास बात यह थी कि मरने वालों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता था, कोई ऐसी कड़ी नहीं थी जिनसे ये हत्याएं आपस में जुड़ी हों, सिवाय इसके कि मरने वाले गरीब झुग्गियों और फुटपाथ पर सोने वाले थे। और दूसरा ये कि ये सभी घटनाएं बेहद विभत्स तरीके से हुई। हत्यारे का खौफ इतना बढ़ गया था कि हर रात 2000 के आसपास पुलिस वाले कश्त लगाते थे। लोग बचाव के लिए खुद लकड़ी या डंडा साथ लेकर चलते थे। इसी बीच 27 अगस्त 1968 को एक घटना हुई। क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर एलेक्स वियालो दक्षिणी मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में घूम रहे थे। बस का इंतजार कर रहे थे कि तभी खाकी शॉर्ट्स और लंबी नीली कमीज पहने एक शख्स उन्हें सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। वियालो को उस पर कोई शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगे। वियालो ने देखा कि उसके हाथ में एक छाता था जो गीला था, जबकि उस रोज बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। फियालो ने उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने कहा कि वो चिंचोली मलाट से आ रहा है जहां बारिश हुई थी। मलाट का नाम सुनकर फियालो झोंके, क्योंकि जैसे पहले बताया गया था कि हत्या की घटनाएं उसी इलाके में हुई थी। शक का एक और कारण उसकी उंगली में लगा मेटल का वो छल्ला था जिसे दर्जी सिलाई करते हुए पहनते हैं ताकि सुई उंगली में ना चुभे। कुछ रोज पहले मलाड में एक दर्जी की हत्या हुई थी, इसलिए फियालो का शक और बढ़ गया। उन्होंने उसे थाने ले जाने की सोची। फियालो ने उससे अपनी जीप में बैठने के लिए कहा और वो बिना नानुकुर किए बैठ भी गया। पुलिस स्टेशन में उसकी उंगली के निशान की जांच की गई तो पता चला कि ठीक यही निशान कुछ रोज पहले कत्ल के घटना स्थल से मिले थे। यानी पक्का हो गया कि यह वही शख्स है जिसने खून किया था। इस शख्स का नाम था रमन राघव, वो सीरियल किलर जिसे इंडिया का जैक द रिपर कहा जाता है। उसके पकड़े जाने की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। कौन था यह रमन राघव और क्यों बेरहमी से अजनबियों का कत्ल करता था? आज के नामे गिरामी में बात इसे किलर की। नमस्कार, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं नामे गिरामी। रमन राघव कितना खतरनाक और खूंखार था, इसे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ई.एस. मोडेक की इस टिप्पणी से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि राघव जैसी दहशत इससे पहले दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों की रही, जैक द रिपर और बोस्टन स्ट्रैंगलर की। जैक ने लंदन में अगस्त 1881 में उस वक्त नवंबर तक 7 महिलाओं को ढेर कर दिया था, पर वो ना तो कभी पकड़ा गया और ना पुलिस को उसकी कोई फोटो मिली। बोस्टन स्ट्रैंगलर ने जुलाई 1962 से जनवरी 1964 तक 13 महिलाओं का कत्ल किया और वो भी कभी पकड़ा नहीं गया। पर राघव गिरफ्तार हुआ, उसकी कहानी सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने 40 से ज्यादा लोगों को मारा था। ये हत्याएं कुछ इस तरीके से की जाती थीं कि लोगों को यकीन हो जाता था कि इनके पीछे किसी चमत्कारिक शक्ति का हाथ है। लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसा था? रमन राघव सीरियल किलर कैसे बना? इसके लिए हमें रमन की जिंदगी के बारे में जानना होगा।
इंडिया टुडे के क्राइम रिपोर्टर तनसीम हैदर विस्तार से बताते हैं। रमन राघव के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं और औरतों की बेवफाई ने उसे सीरियल किलर बना दिया, ऐसा कहा जाता है। बताते हैं कि उसका जो वैवाहिक जीवन था वो ठीक नहीं रहा, उसके बाद उसको उसकी दूसरी शादी करने की कोशिश की, वहां वहां से भी उसको धोखा मिला। उसके कहीं वो अपने दोस्त के साथ रहता था, उसकी दोस्त की किसी पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की, जिसको राघव रमन ने इनकार कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उस महिला ने राघव पे इल्जाम लगाए और इल्जाम लगाने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। और उससे कई बार पूछताछ में भी ऑफिसर्स ने पूछा कि क्या वजह है कि तुम भगवान पे भरोसा करते हो कि नहीं करते हो, तो उसने बड़ा अटपटा सा जवाब दिया। उसने बोला कि भगवान सिर्फ महिलाओं की पैरवी करता है। औरतों के प्रति उसकी नफरत किस हद तक थी वो इस बात से समझा जा सकता है कि एक बार जब जेल में बाल काटने वाले ने गलती से उसकी थोड़ी सी मूंछ काट दी, वो उसे मारने के लिए दौड़ गया। 7 दिन तक उसने किसी से बात नहीं की, कहता था कि मैं किसी औरत की तरह नहीं दिखना चाहता। औरतों के प्रति उसकी नफरत भी सेक्स के प्रति सनक का ही एक रूप थी। जेल में रहते हुए उसने अधिकारियों को ऑफर दिया कि अगर उसे 1 साल की बेल दे दी जाए और साथ में एक औरत, तो वो किसी का खून नहीं करेगा। उसे सिर्फ औरत के शरीर से मतलब था। पुलिस ने जब उसका रिकॉर्ड खंगाला तो उसके खिलाफ डकैती और कत्ल के आरोप थे, लेकिन कत्ल के आरोप साबित नहीं हो सके। उन दिनों एक बेहद काबिल और युवा पुलिस अफसर ने मुंबई के क्राइम ब्रांच का जिम्मा संभाला था, नाम था रमाकांत कुलकर्णी। उन्होंने आरोपों को साबित करने की ठानी। बॉम्बे जैसे लाखों बेघरों के शहर में किसी भी आम शख्स जैसे दिखने वाले राघव को ढूंढना मुश्किल तो था, लेकिन जल्द ही रमन राघव दबोच लिया गया। पर यहां से शुरू हुआ पुलिस का असली संघर्ष। आखिर उसे जुर्म कैसे कबूलवाया जाए? रमाकांत कुलकर्णी ने अपनी 2 किताबें फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ क्राइम्स और क्राइम्स क्रिमिनल्स एंड कॉप्स में लिखा है कि राघव घुन्ना था। पूरी पूछताछ के दौरान उसने एक सोची समझी खामोशी ओढ़ ली थी। पुलिस अफसरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि राघव से कैसे पेश आया जाए। आखिरकार कुलकर्णी ने ही उसका मुंह खुलवाया। शुरुआती पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि उसके कई नाम थे, सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, थाम्बी, वेलुस्वामी। कुलकर्णी की बेटी अनिता भोगले बताती हैं कि वो स्ट्रेटजी जिसकी बदौलत रमन ने अपना मुंह खोला, सुनिए। तो माय फादर ऑलवेज बिलीव्ड कि क्रिमिनल्स जो है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है। उनका हमेशा वही अप्रोच रहा था, वो हमेशा ही प्लेड ऑन साइकोलॉजी और साइंटिफिक एविडेंस। और ये तो मुझे जब जो याद है कि ही अर्न द ट्रस्ट ऑफ द क्रिमिनल। और एक्चुअली यू नो फाइनली जो रमन राघव कोर्ट में गए तभी उन्होंने कहा था कि माई फादर, ही पॉइंटेड टू माई फादर एंड सेड कि ये ऑफिसर बहुत फेयर रहे हैं, He was very good to me. ये आदमी बहुत गरीब था तो उनको ठीक से खाना खिलवाया और उनकी जो इच्छा थी उनको, यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड, तो कुछ तेल वेल उन्होंने जो मांगा, सेंटेड ऑयल अपने बालों के लिए वो दे दिया। एंड आई थिंक इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उनका ट्रस्ट अर्न करके फिर उन्होंने कन्फेशन दे दिया। रमाकांत के बर्ताव ने उसे सहज बना दिया और वो अपने गुनाह कबूल करते चला गया। एक रोज जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कुछ चाहिए तो उसने झट से जवाब दिया, मुर्गा। उसकी ये फरमाइश पूरी हुई तो उसने पुलिस की मदद की। पुलिस को वो अपने साथ उन झाड़ियों तक ले गया जहां उसने अपने सभी हथियार छुपा रखे थे। उसके हथियारों में क्रोबार, चाकू और कुछ और औजार शामिल थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को उसे कोर्ट तक ले जाने में काफी परेशानी हुई। क्या समस्याएं आ रही थी, तनसीम हैदर से सुनिए। कत्ल होने के शुरू के जो कत्ल हुई थी घटनाएं, उसके काफी दिन बाद गिरफ्तारी हुई थी, तो पुलिस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो मिल रहे थे लेकिन पुलिस को कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे। उस दौर में बहुत ज्यादा सीसीटीवी का दौर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस नहीं था। तब दोबारा जब पुलिस ने ये एविडेंसेस इकट्ठा कर लिए, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में, और जब मुकदमा चलाया और ये सारी एविडेंसेस रखे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस रखे, उसके लाइफ से जुड़े एविडेंसेस रखे,
ये बताया कि ये पहले भी क्राइम में शामिल रहा, ये चोरी की वारदातों को अंजाम देता था, बहुत सारी चोरियां की इसने, बल्कि ये भी बताते हैं कि चोरी की वारदात करना इसने अपने पिता से सीखा। तो ये सारे एविडेंसेस जब पुलिस ने कोर्ट को दिए, उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि हाँ इसकी चेन जो है उन कत्ल से जुड़ती है, लिहाजा कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई थी। इस कबूलनामे और कुछ सबूतों को देखते हुए बचाव पक्ष के वकील ने यह दलील दी कि राघव का दिमाग ठीक नहीं है, इस वजह से उसे पुलिस के डॉक्टर के पास भेजा जाए, और जहां लगभग वो एक महीने तक रहा भी। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक रमन का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त था और वो किसी भी तरह से पागल नहीं था, और इसलिए रमन को सजाए मौत हुई। हालांकि उसने उसके खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में उसे स्क्रीजोफ्रेनिया से पीड़ित पाया गया और उसे कहा गया कि इसकी मानसिक हालत लाइलाज है। लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जॉइंट सेक्रेटरी श्वेता शर्मा ने रमन को साइकोपैथ का नाम दिया। सुनिए श्वेता शर्मा को। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ थिंग जिसको जिसमें पूरी तरीके से आपका डिस्टर्बेंस होता है, आपको रियलिटी कॉन्टेक्ट नहीं होता है। रमन राघव के साथ में आप उसे स्किज़ोफ्रेनिक नहीं बोल सकते हैं। थिंग इज दैट उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से उसका पूरा बिहेवियर रिलेट था। स्किज़ोफ्रेनिया से ज्यादा उसकी पर्सनालिटी, जिसको हम बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी, वो क्यों सोते हुए लोगों को ही मारता था, जो लोग उससे कमजोर होते थे वो उन्हें हिट करता था, और इतनी जोर से हिट करता था कि उसके आगे ना वो आवाज आ रही ना कुछ आ रही, वो एक ही हिट में वो मर्डर हो रहा है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा सेपरेशन का सामना करना पड़ता है, वो ये चीज चाहते हैं कि हम लोगों पे रूल कर सके, हम वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल सके, और वो फीलिंग हमें अंदर से आए कि हाँ मैं पावरफुल। तो साइकोलॉजी अगर समझा जाए, वो लोग इसको विकृत मानसिकता आप बोल सकते हो, मैं सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया का नाम नहीं दूंगी। उस सिरफिरे कातिल को अदालत ने आखिर में पूरी उम्र कैद में रखने का फैसला सुनाया। ये ऐसी सजा थी जिसमें वो हर रोज अपने गुनाहों का एहसास करता था। उसे पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था, जहां उसका इलाज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में चलता था। 1995 में राघव की किडनी खराब हो गई, उसका इलाज ससून हॉस्पिटल में चला। इसी बीमारी के चलते उसकी मौत उसी साल यानी 1995 में हो गई। तो कुछ ऐसा था उस सीरियल किलर का अंत, जो सिर्फ अपने दिल के तसल्ली के लिए हर रात लोगों को मौत की नींद सुलाने निकलता था, जिसके डर की वजह से कभी ना सोने वाला शहर मुंबई रुक गया था। तो ये था रमन राघव पर हमारा नामी गिरामी। लेकिन इस शो में हमने इससे पहले भी और कई नामी गिरामी हस्तियों पर कई एपिसोड्स किए हैं, तो उन पुराने एपिसोड्स को भी सुनिए। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो को प्रोड्यूस किया है खुशबू ने, साउंड डिजाइन है नितिन रावत का, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। आह, मेरी पीठ का दर्द। यार ये हर महीने पीरियड क्रैम्प्स का झंझट। उफ, ये रोज रोज के सिर दर्द ने दिमाग का दही कर रखा है। यार ये एसिडिटी, परेशान हो गया हूँ यार मैं। रोज रोज की इन तकलीफों से रहते हैं परेशान, तो फिकर नॉट, घर बैठे आपको मिलेगा फ्री कंसल्टेशन हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में। नया एपिसोड हर मंगलवार शाम स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन और आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आज तक रेडियो पर सुनना चाहें तो गूगल पर जाकर बस लिखिए हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो।